पिछले 10 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में दोगुना निवेश हुआ है, लेकिन इसके बावजूद पांचवी में पढ़ने वाले 10 में से 6 बच्चे कक्षा 2 का पाठ नहीं पढ़ पाते और 10 में से 8 बच्चे गणित के साधारण सवाल भी हल नहीं कर पाते हैं। भारत के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 14 करोड़ बच्चों की समस्या का हल किस तरह निकाला जाए? अगर हम कक्षाओं में नवाचार लाएं, शिक्षकों को प्रशिक्षित और प्रेरित करें और सरकार के साथ मिलकर इन विचारों को प्रभावी रूप से लागू करें तो हम इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। इसी विचार को देश की जानी मानी आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजी के CEO विनीत नायर और स्पेशल एजुकेटर अनुपमा नायर ने आगे बढ़ाया। अपने अपने कार्य क्षेत्र में सफल दोनों ने अपना करियर छोड़कर देश के 2 करोड़ बच्चों की शिक्षा के लिए अपना पहला कदम उठाया। कुछ ही सालों में संपर्क फाउंडेशन इतने बड़े स्तर पर शिक्षा में बदलाव लाने वाले दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रमों में एक बन गया। संपर्क फाउंडेशन का पहला नवाचार था एक ऑडियो बॉक्स, जिसमें अपनी सुरीली और सम्मोहित कर देने वाली आवाज में संपर्क दीदी ने लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग की पद्धति के साथ गाने, कविताओं और कहानियों के माध्यम से इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया। दूसरा नवाचार था संपर्क स्मार्ट शाला किट। सरकारी स्कूलों के बच्चों को ध्यान में रखते हुए सरल से कठिन और मूर्त से अमूर्त की पद्धति के साथ ये रंग बिरंगे टीचिंग लर्निंग मटेरियल डिजाइन किए गए। तीसरा नवाचार था बिना इंटरनेट के चलने वाला संपर्क स्मार्ट शाला ऐप। इस ऐप में एनिमेटेड वीडियोस, खेल, पहेलियां और वर्कशीट्स दिए गए थे, जिनसे आज 2 लाख शिक्षकों को आभासी कक्षाओं का व्यक्तिगत अनुभव मिल रहा है। This is the way we go to school, go to school, go to school. This is the way we go to school early in the morning. लेकिन सिर्फ नवाचारों से इतने बड़े स्तर की समस्या हल नहीं हो सकती थी, इसलिए इन नवाचारों को सरकार के साथ मिलकर स्कूल स्तर पर टीचर्स की ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग के साथ जोड़ा गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि 6 राज्यों के 76,000 स्कूलों के 70 लाख बच्चों के लर्निंग आउटकम में 40% का सुधार देखने को मिला। किस प्रकार से हम गिनती सीखें, किस प्रकार से हम जोड़ करें, किस प्रकार से घटाव करें, वो सभी कॉन्सेप्ट्स काउंटर्स की मदद से, साथ में ब्लॉक्स की मदद से, और यकीन मानिए कि हम वाकई में अचंभित थे कि क्या इस प्रकार से भी गणित को करवाया जा सकता है। क्योंकि हम जब इससे पहले काम करते थे तो सीधा ब्लैक बोर्ड पर गए, बच्चों से काम करवाया, लेकिन ये वाकई में काफी फायदेमंद रहेगा। बहुत ही अच्छी किट प्रोवाइड की है, जो हमारे लिए टीचिंग लर्निंग जो हमारा प्रोसेस है मैथमेटिक्स का स्पेशली, उसमें हमारे लिए वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। जो भी 4 फंडामेंटल चीजें होती हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है, उसके बारे में डिटेल में इन्होंने बताया। ऐप की बात करूं तो बहुत फायदेमंद है कि इसके लिए हमें नेट बहुत सारे स्कूल्स में नहीं होता है, तो ये बिना नेट के भी काम करेगी और हम जहां भी जिस भी कॉर्नर के स्कूल में अभी बैठे हैं तो वहां हम इसका यूज जो है वो कर सकते हैं। बच्चों को जो है हम प्रैक्टिकली बहुत अच्छा सिखा सकते हैं, क्योंकि जब भी हम स्कूल में TLM बनाते हैं तो यूजर फ्रेंडली नहीं होते, लेकिन ये जो चीज़ है इसको हम जैसे पानी से लगा के आराम से चिपका सकते हैं और बच्चे खुद भी उसको यूज कर सकते हैं। हमें प्रोग्रेस चार्ट दिया गया है जिसमें ये बताया गया है कि बच्चे को वो जहाँ तक सीखता है उस पर आप टिक करते जाएं, तो ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब हमें इस बारे में पता होगा कि कौन सा बच्चा क्या सीख रहा है तो हम आगे उसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं कि हम उस बच्चे को वही चीज़ करवाएं जहाँ उसको नहीं आता, जहाँ उसको प्रॉब्लम आ रही है। ये मटेरियल प्रोवाइड किया गया, एक तो कलरफुल है, हम छोटे छोटे बच्चों से के साथ डील कर रहे हैं तो वो उन कलर्स को देख के वैसे ही अट्रैक्ट होंगे, हमारी जो क्लास होगी ज्यादा अट्रैक्टिव बनेगी। खेल खेल में सिखाता है, खेल खेल में सिखाता है, हर चीज को मूर्त रूप में बताता है, हर चीज को मूर्त रूप में बताता है, सीख के कभी फिर भूलते नहीं, सीख के कभी फिर भूलते नहीं, यही संपर्क स्मार्ट शाला
का प्रशिक्षण बताता है। हमारा मानना है कि असंभव कुछ भी नहीं, प्रगतिशील विचार और शिक्षक मिल जाएं तो हर असंभव को संभव बना सकते हैं। तो चलिए मिलकर काम शुरू करते हैं।